नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट किया है वीडियोस पे कि सर यूपी पुलिस 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो बस यही डाउट आपका दूर करने मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसी डाउट को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल पूरा देखिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर ना हो, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका डाउट हो सकता है इस वीडियो में क्लियर हो जाए और फिर आप पूरी तरह से अपने स्टडी पर फोकस कर पाएँ। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह आप लोगों के लिए डेडिकेट है, ताकि अगर आप लोगों ने स्टडी का मतलब भी छोड़ दिए, ये आशा आप लोगों ने हटा दिए कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। दोस्तों, बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि ये पेपर इस बार नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। किसी भी हालत में पेपर कैंसिल होने वाला नहीं है। आप खुद सोचो कि इतना सारा कोई फैक्ट नहीं है ओरिजिनल, जो मतलब सॉलिड कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से पेपर पूरा कैंसिल कराया जा सके। अगर पेपर कैंसिल होने के भी चांस आए तो एक दो सेंटर या एक दो सेंटर को पेपर आप बैन कर सकते हैं, उनका दोबारा एग्ज़ाम ले लीजिए। पूरा का पूरा पेपर नहीं कैंसिल होगा, इसमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा गवर्नमेंट का, इसलिए गवर्नमेंट इस पूरे एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम में नहीं बदलने देगी। ये तो आप मान के चलिए 100% श्योर है, ये री एग्ज़ाम कभी नहीं होगा। अगर आप अभी भी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप रेस नहीं लगा रहे हैं, आप दौड़ नहीं लगा रहे हैं, आप बस ये सोच रहे हैं कि पेपर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो आप मतलब गलत कर रहे हैं। आप अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से एक आध दो दिन सही हो जाएगा, इसके बाद आप तुरंत अपने फिजिकल, अपने रेस, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं फोकस करेंगे तो आप, हो सकता है कि फिजिकल हो जाए और उस दिन आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने तैयारी कर ली होती, और आप रेस की तैयारी करेंगे तो इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं है। जहाँ तक बात रही रिजल्ट की, रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा अगर अगस्त में, आप 8 अगस्त को जो पहला केस की सुनवाई है 8 अगस्त को, और एक जो दूसरा डबल बेंच में है वो 14 अगस्त को है, तो 8 अगस्त का अगर पूरी तरह से सही फैसला आ जाता है तो आपका तो बहुत जल्दी मतलब वैकेंसी हो जाएगी। तब तो आपको अगस्त लास्ट तक ही मतलब फाइनल आंसर की आ जाएगी, और सितंबर के पहले सप्ताह तक आपका फिजिकल के लिए डेट आ जाएगा। और अगर और भी लेट हुआ तो सितंबर के ज़्यादातर 20 सितंबर तक, 20 से 25 सितंबर तक आपका आ जाएगा फिजिकल के लिए, मतलब फिजिकल की डेट आ जाएगी आपकी 20 से 25 सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी फिजिकल का जब मतलब केस क्लियर होगा उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आने के बाद एक महीना आपको टाइम दिया जाएगा रेस की प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो 15 दिन भी टाइम ना दे आयोग आपको, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी तरह से सॉलिड रखिए कि जब भी बुलाया जाए आप हमेशा रेडी रहिए तैयारी के लिए। फिजिकल की तैयारी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि फिजिकल के लिए मतलब फ़ाइनल आंसर की अगस्त के लास्ट तक आ जानी चाहिए फाइनल आंसर की, और उसके बाद हो सकता है कि 10-15 दिन में ही आपको रेस के लिए अल्टीमेटम नोटिस आ जाए कि आप 10-15 दिन में आपका रेस होगा, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए आप। और इसी के साथ आप लोगों के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।